हमारे देश के वो पहलवान, हमारे देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया था, आज पिछले एक हफ्ते से जंतर मंतर पे एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि इनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिल लीजिए, फांसी बोर्ड का देना चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुख की बात है कि ये महिलाएं सामान्य महिलाएं नहीं है, ये वो है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है अपनी मेहनत से। आप लोगों ने देखा होगा टीवी के अंदर जब इन्होंने मेडल जीते थे, पूरी दुनिया को देख रही थी, इनके हाथ में तिरंगा था और पीछे जनगण मन का गाना अपना गीत चल रहा था, जनगण मन गाया जा रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। उनके साथ अगर किसी आदमी ने छेड़खानी करी, दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनको यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है, उसको सजा दिलवाने के लिए बैठना पड़ रहा है। क्यों दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे ही किसी भी लड़की के लिए घर से बाहर निकल के खेलों में नाम कमाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। हमारे समाज में महिलाओं को आगे आने से रोका जाता है। अपना भारतीय समाज के अंदर किसी भी महिला को बाहर निकल के इस मुकाम पर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। सबसे पहले तो मैं इन पहलवानों को सलाम करता हूं, इनके जज्बे को सलाम करता हूं, इनके संघर्ष को सलाम करता हूं। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, एक एक भारतीय जो भी भारत देश से प्यार करता है, इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, जो भी भारत देश से प्यार करता है, पूरा देश देख रहा है इन टीवी चैनलों के माध्यम से, जो भी भारत देश से प्यार करता है वो आपके साथ खड़ा। जो भी चाहता है, जो भी चाहता है हमारा देश ओलंपिक में आगे बढ़े, हमारे देश अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आगे बढ़े, जो भी व्यक्ति चाहता है वो आपके साथ खड़ा है। जो भी युवा सपना देखता है कि एक दिन मैं भी ओलंपिक खेल खेलूंगा, वो आपके साथ खड़ा है। एक एक भारतीय आपके साथ खड़ा है। आप अकेले नहीं हो, आपने इस पूरे देश को जगा दिया है। एक एक आदमी के दिल में बसे आपका यह संघर्ष, पूरा देश आपके साथ। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। अभी दो दिन पहले एक बुजुर्ग आए मेरे पास, बोले सर मोदी जी ने ठीक नहीं किया। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर जब मैं टीवी में देखता हूँ, बोले मैं भी पहले मोदी जी का बहुत भक्त होता था, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ ये बिचारी लड़कियाँ जंतर मंतर के ऊपर दुराचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है जंतर मंतर पे, तो मेरे मन में ये प्रश्न तो उठ रहा है, मोदी जी उसको क्यों बचा रही हैं? ये प्रश्न आज पूरे देश के अंदर उठ रहा है। तो मैंने कहा बाबू जी क्यों बचा रहे हैं? बोला मेरे तो बिल्कुल समझ के बाहर है जी, ऐसा वो क्या आदमी हो गया जो कि उसको सारा तंत्र, सारी सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री सारा उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो बोलो ऐसा संदेश जा रहा है देश के अंदर कि अगर उनकी पार्टी का कोई आदमी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाएगी। आपको याद होगा किसानों के टाइम में क्या हुआ था, गाड़ी चढ़ा दी थी उसको, किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी, पूरा तंत्र उसको बचाने में लग गया था। आज एक आदमी इनकी पार्टी बच्चियों के साथ
संदेश ये है कि अगर इनकी पार्टी का कोई भी आदमी चोरी करेगा, चक्कर गलत काम करेगा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसका बाल भी बांका नहीं किया जाएगा। ये तो गलत बात है। देश ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। आज मैं बताओ, एक पद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट एक FIR दर्ज कराने के लिए जाना पड़ा। अभी इनकी तबीयत खराब है, इनको बुखार है, इस बुखार के अंदर भी ये यहां बैठे हैं। कितने दर्द की बात है। आज इस मंच के माध्यम से मैं देश के, ये बड़ी पवित्र धरती है जंतर मंतर, हम भी यहीं से निकले थे। आज से 2011 में अन्ना हजारे यहीं आए थे और उसने, उस आंदोलन ने इस देश की राजनीति बदल दी थी। आज मेरा दिल कहता है इन बच्चों को, ये आंदोलन इस देश की खेल व्यवस्था का अमूल चमूल परिवर्तन करेगा। इस जो लोग भारत से प्यार करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, जो लोग इस अपने भारत माता से प्यार करते हैं, आज इस मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को मैं कहना चाहता हूं, छुट्टी लेके आओ, सारे जगह छुट्टी लेके आओ, इनका साथ दो। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये पूरे खेल जगत के लिए लड़ रहे हैं। सोचो, जो आदमी इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराने के लिए 7 दिन लग गए और सुप्रीम कोर्ट लग गया, अगर ये बच्चे संघर्ष ना करते तो लड़कियों के साथ तो गलत काम होता रहता। ये बच्चियां अपने लिए नहीं लड़ रही, ये पहलवान अपने लिए नहीं लड़ रहे। तो जितने लोग भी देख रहे हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, सब लोग जो ये टीवी देख रहे हैं, सब लोग एक एक दो दो दिन की छुट्टी लेके यहाँ पे आओ, इनका साथ दो। और मेरा दिल कहता है इनका संघर्ष जरूर सिरे चढ़ेगा, जरूर इनको सफलता मिलेगी। मेरी एक और गुजारिश है अपनी केंद्र सरकार से, इतनी निर्दयी मत बनो। इनके बच्चों का पानी रोक दिया, बिजली रोक दी, इनके गद्दे नहीं आने दे रहे। मेरी तरफ से जो बन पड़ेगा मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के आते सब कुछ करूंगा, लेकिन इनके बच्चों का ये तो आने दे यार, ये तो ह्यूमन राइट्स है, ये तो इंसानियत है। हमारे बच्चे हैं, इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया था। इस दिन के लिए थोड़ी किया था कि एक दिन इनका पानी रोक दिया जाएगा, एक दिन इनका खाना रोक दिया जाएगा, लाइट काट दी जाएगी, हमें तो इनको कंधे पर उठाना चाहिए।